न्यूज शुरुआत करेंगे खेलों से जुड़ी खबर के साथ। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड को 482 रन का टारगेट दिया गया है। दूसरी पारी में भारत 286 रन बना सका। इधर अश्विन ने गेंद के बाद बल्ले से भी जबरदस्त दम दिखाया है, शतक लगाया और एक पारी में 5 विकेट भी इसी टेस्ट के दौरान लिए हैं। अश्विन के टेस्ट करियर का यह 5वां शतक है। तो एक पारी में 5 विकेट और उसके बाद शतक जमा कर इंग्लैंड को एक बड़ा टारगेट दिया है पहली पारी में। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे इस वक्त हम न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी की तरफ। शरद जी, एक तो टेस्ट मैच दरअसल इसीलिए रोचक क्रिकेट की श्रेणी में आता है कि यहां कभी भी कुछ हो सकता है, और बात करें इस टेस्ट की, जिस तरह से खराब पिच पर बल्लेबाजी करते हुए अश्विन ने दम दिखाया, उससे बाद गेंदबाजी से भी ये साबित किया कि गेंदबाजी में धार है तो बल्लेबाजी में दम है, हालांकि पुछल्ले बल्लेबाज कहे जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जो अश्विन रविचंद्रन ने जो खेल यहाँ दिखाया है वो खेल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। एक ऐसी पिच जो बहुत ही कठिन मानी जा रही थी और जिस पर 134 रन बनाकर अपनी पहली पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम ढह गई, और जहां दूसरी पारी में भारत भी संघर्ष करता नजर आया, लेकिन विराट कोहली और अश्विन रविचंद्रन ने ये बताया कि पिच कितनी भी कठिन क्यों ना हो लेकिन बल्लेबाजी की जा सकती है अगर आप समझदारी से बैटिंग करें। और अश्विन रविचंद्रन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 5 लेने के बाद एक फिरकी गेंदबाज जो ऑलराउंडर जरूर माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई सुप्रतिष्ठित ऑलराउंडर नहीं है कि जिसकी पूरी दुनिया में ख्याति है, लेकिन उन्होंने जिस सूझबूझ से बैटिंग की 5 विकेट लेने के बाद और शतक बनाया, वो ये बताता है कि अश्विन रविचंद्रन किसी भी टीम के लिए कितना बड़ा खजाना है, कितना बड़ा एसेट है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच तो वो ले ही गए हैं इस टेस्ट मैच में। अब सबको इंतजार है कि भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ जितनी जल्दी इंग्लैंड की टीम को आउट करके इस मैच को अपनी ग्रिप में करे, और इसमें अश्विन रविचंद्रन की भूमिका भी हो, इस पर हम सबकी निगाहें हैं। और अगर वो 5 विकेट लेकर फिर एक इतिहास बनाते हैं और 10 विकेट और एक सेंचुरी, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सपना है जिसे अश्विन जरूर दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरा कर सकते हैं बतौर गेंदबाज। शरद जी, इसके अलावा हमने ये भी साबित किया जिस तरह से पिच उधड़ती हुई नजर आ रही थी, पहली पारी में 329 जबकि इंग्लैंड 134 और दूसरी पारी में 286, शायद ये साबित करने में हम कामयाब रहे कि शायद दुनिया में सबसे बेहतर स्पिनर्स को हम ही खेलते हैं। देखिए, मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट टीम लगातार संकल्प शक्ति दिखा रही है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में हमने ठीक इसी तरह की सर्कमस्टांसेस थे कि पहला टेस्ट हम बुरी तरह हारे और आलोचक ये कहने लगे कि भारतीय क्रिकेट टीम घर में ही शेर होती है, और यहाँ तो हम घर में ही पहला टेस्ट हार गए, लेकिन जिस तरह से हम वापसी कर रहे हैं वो हमारी एक मनोबल की तरफ इशारा कर रही है कि ये भारतीय क्रिकेट टीम एक बदली हुई टीम इस मायने में है कि ये बाउंस बैक करती है, ये हिट होने के बाद वापसी का संकल्प लेकर मैदान में उतरती है। और एक युवा टीम है भारतीय क्रिकेट टीम अगर आप देखें तो, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि स्पिनर्स के लिए और एक टूटी हुई उधरी हुई पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बल्लेबाज, आप चाहे बात करें अजिंक्य रहाणे की, या फिर आप बात करें पुजारा की, या फिर आप बात करें रोहित शर्मा, जरूर पहली पारी में उन्होंने आउट जबरदस्त खेल दिखाया, लेकिन जिस तरह अश्विन खेले हैं तो वो बताता है कि आपके पास अगर संकल्प शक्ति है और आप विजन के साथ खेलते हैं तो कोई चीज आपके संकल्प से बड़ी चीज कोई नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। संकल्प से बड़ी कोई चीज नहीं, टारगेट आपकी नज़र में होना चाहिए। अश्विन ने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे और अब दूसरी पारी के लिए जब इंग्लैंड उतरेगी तो अश्विन एक और रिकॉर्ड को चेस करने के लिए दौड़ेंगे। 5 विकेट वो पहली पारी में ले चुके हैं, इसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई तो शतक जड़ा, और अगर दूसरी पारी में फिर वो 5 विकेट लेते हैं तो एक नया रिकॉर्ड वो ज़रूर बनाएंगे। बहरहाल इस वक्त मुश्किलें इंग्लैंड के लिए हैं, 482 रन का एक बड़ा टारगेट, और बड़ा टारगेट इस मायने में भी कि अभी 2 दिन का पूरा खेल और कुछ ओवर्स आज के बचे हैं, ऐसे में तकरीबन 200 ओवर इंग्लैंड को काटना है, टालना है, 482 रन का बड़ा लक्ष्य है, और पिच लगातार बल्लेबाजी के विपरीत बनी हुई।